जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों लेटेस्टली मैंने एक वीडियो बनाया था ओप्पो रियलमी डायलर, जिन लोगों को भी गूगल डायलर से परेशानी है उन लोगों के लिए, पर बहुत से लोगों ने बोला था कि ये फेक है भैया, वर्क नहीं करता। इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों Realme UI 1.0 में ये इजीली वर्क करता था, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, बट 2.0 में ये वर्क नहीं करता है। यहाँ पर लेटेस्टली लॉन्च हुआ जो मोबाइल है Realme 8i मेरे पास है, और मैंने पहले ही बोला था ये जो APK है कलर OS 11 के बाद वाली जो वर्जन है उस पर वर्क करती है। यहाँ पर Realme 8i मेरे पास में है एंड यहाँ पर Realme UI 2.0 है, इसमें 2.1 2.2 2.3 कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल है Realme 8i 8s या फिर GT सीरीज़, इसमें आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है उससे देख के पता चल जाएगा कि भैया ये जो वर्ज़न है ये अप वर्जन है, और इस तरह के जो मोबाइल है इसमें ये डेफिनेटली वर्क करेगा। पुराने जो मोबाइल है जैसे कि Realme 7 सीरीज़, 7 प्रो या फिर नाजो सीरीज़, उसमें भी बहुत जल्दी अपडेट आएगा, बट यहाँ पे अभी मेरे हाथ में Realme 8i डिवाइस है एंड ये जो APK है ऑफिशियली ओप्पो की APK है, क्योंकि बहुत से जो यूज़र्स हैं परेशान हो गए थे गूगल डायलर से, जिससे पता चल जाता था सामने वालों को कि भैया यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो ओप्पो ने ऑफिशियली एक APK जारी किया था जिसकी मैं लिंक पहले भी दे चुका हूं, बट उस वीडियो में मुझे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले थे, जैसे कि रेनो सीरीज में ये वर्क कर रहा था क्योंकि 11.1.2.3 जो है अपडेट था। बट यहाँ पे प्रूफ के साथ मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे दो APK है 11.3 के लिए और 11.1 के लिए। जो मेरा रियलमी आई है 8i उसमें 11.3 वाली जो APK है वो डेफिनेटली यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। आपके सामने मैं प्रूफ के साथ बता देता हूँ एंड मैं कॉल रिकॉर्डिंग करके भी बता दूंगा, क्योंकि गूगल के रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो APK है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ये Realme 8i डिवाइस है एंड मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये इजीली ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप आपको इसको करना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज आता तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको सेटिंग सेक्शन में ऐप में डिफॉल्ट ऐप में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा फ़ोन ऐप का ऑप्शन। यहाँ पे आपका गूगल फ़ोन अगर होगा डिफॉल्ट ऐप तो आपको कर लेना है भैया कॉन्टैक्ट ऐप, जो कि अभी आपने OPPLUS डायलर इंस्टॉल किया है, और ईजिली ये डायलर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल हो जाएगा मीन्स ये ओपन भी होगा, वर्क भी करेगा। सेटिंग सेक्शन में आपको चले जाना है, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्पेसिफिक कॉल वगैरह हिसाब से या फिर ऑल कॉल के लिए इसे इनेबल कर सकते हो। जैसे ही आप इसे इनेबल करते हो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी कॉल आएंगे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, जैसे कि आपके ओप्पो रियलमी की ओल्ड डिवाइस में वर्क करता है। तो जितने भी यूजर्स यहाँ पे परेशान हैं अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड मोबाइल के लिए जो अपडेट्स आएंगे उसमें मिल जाएगा अपडेट, बट अभी जो आपकी नई डिवाइस जो लॉन्च हो रही है उनके पास अगर नहीं है ये APK तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कॉल किया है Realme 8i में, और यहाँ पे Realme डायलर ही ओपन हुआ है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो दोस्तों ये चालू है एंड यहाँ पे जब भी मैं अभी रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूंगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जो ऐप्स है गूगल के रिस्ट्रिक्शंस के कारण ऐप में वर्क तो करता है बट रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको कॉल जो है ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके भी मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि ओप्पो रियलमी की ओल्ड डिवाइस में होती है। यहाँ पे मैंने दोनों ही फ़ोन को पास में रखा इसलिए वॉइस जो है वो इको हो रही है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास में हायर वर्जन वाला मोबाइल है मीन्स 11.1.2.3 तो आप इस APK को जो है ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। रियलमी की जितनी भी न्यू डिवाइस आ रही है उसमें आप इजीली इसे वर्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे ओल्ड डिवाइस की बात रही जो कि रियलमी 7 सीरीज़ के बाद नार्जो सीरीज़, तो यहाँ पे जो OTA अपडेट है कंपनी एक OTA अपडेट जारी कर देगी जिससे कि ये APK है ये वर्क करने लगेगी। इसलिए अभी से आप इस APK को जो है डाउनलोड करके रख लीजिएगा, अगर आपके मोबाइल में काम नहीं करती है तो सेव करके रख लीजिएगा, जब भी OTA अपडेट आता है आप इसे इंस्टॉल करके इसे वर्किंग में ला सकते हैं। एंड इस तरह से दोस्तों आप अपने गूगल डायल को रिप्लेस कर सकते हो ओप्पो रियलमी डायलर से, और गूगल डायलर की टेंशन जो है वो एंड हो जाएगी।
इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड ओप्पो रियलमी सिस्टम एप्स के अपडेट के लिए ग्लोबल ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए बोलते रहिए वंदे मातरम।